डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कुछ कन्वर्जन पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम मेटालॉइड्स को भी देखेंगे। ठीक, तो शुरुआत होती है हमारी इस ट्रिक से। देखिए, टंकी में जीजा तेरा पीटा, टंकी में जीजा तेरा पीटा। तो टंकी को हम कैसे लिख सकते हैं? टैंक, टैन की, यानी कि टंकी। फिर से देखिए, टंकी में जीजा तेरा पीटा, तो टंकी को लिखेंगे हम टैन की में जीजा तेरा पीटा। अब देखिए, टैन का मतलब होता है यहाँ पर डे का, टैन का मतलब होता है डे का, कि आई यानी की का मतलब होता है किलो, एम ई का मतलब होता है मेगा, और यहाँ पर जो जीजा है इसे हम कहते हैं गीगा, और तेरा को हम कहेंगे टेरा, और पीटा को हम कहेंगे पीटा। अब देखिए, सबको पता है कि डेका का मतलब होता है 10, यानी 10 की पावर 1। तो हमने 10 की पावर 1 लिख दिया। किलो को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, मेगा को लिखेंगे 10 की पावर 6, और गीगा को लिखेंगे 10 की पावर 9, और टेरा को लिखेंगे 10 की पावर 12, और पीटा को लिखेंगे 10 की पावर 15। ये सारे जो पावर्स हैं, ये देखिए 1, 3, 6, 9, 12 और 15, ये सब पॉजिटिव में है, यानी इन पर प्लस साइन होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ आ रही होगी। एक बार फिर से देखिए, टंकी में जीजा तेरा पीटा, टेन की में जीजा तेरा पीटा। टेन मतलब डेका, की यानी किलो, एम ई यानी मेगा, फिर जीजा को हम लिखेंगे गीगा, तेरा यानी टेरा, पीटा यानी पीटा, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15। यानी डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1, किलो का मतलब 10 की पावर 3, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, और गीगा का मतलब 10 की पावर 9, और टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12, और पीटा का मतलब होता है 10 की पावर 15। ये सारी जो पावर्स आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी किस में है? पॉजिटिव में है। अब देखिए, इसका अगर हम रिवर्स देखते हैं, तो यहां पर दूसरी ट्रिक हमें मिलती है। ये देखिए, देसी मिली, कम से कम देसी तो मिल रही है भाई। फिर से देखिए, देसी मिली मीना पिको फैम। तो देसी को हम लिखेंगे यहां पर देसी मिली यानी मिली, मीना को आपको दो फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। मी ना, मी मतलब माइक्रो, ना मतलब नैनो, पिको मतलब पिको ही आएगा, और फेम मतलब फेमटो ही आएगा, फेम मतलब फेमटो। अब देखिए, ये जो पावर प्लस में होती है, यहाँ पर इस ट्रिक में देसी मिली मीना पिको फेम में जो पावर्स होती हैं वो नेगेटिव होती है, यानी कि माइनस में होती है। ये देखिए, यहाँ पर देसी मतलब 10 की पावर -1, मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और नैनो मतलब 10 की पावर -9, और पिको मतलब 10 की पावर -12, और फेमटो मतलब 10 की पावर -15। अब देखिए, इन ये जो कन्वर्जन है, इनका यूज होता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में। आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नैनो। 10 की पावर -9 मतलब नैनो, 10 की पावर -12 मतलब पिको। आपने सुना होगा नैनो सेकेंड, नैनोमीटर, पिको सेकेंड, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो इनका यूज जो है ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ही होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे यहां पर मेटालॉइड्स की। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? यानी ऐसे मेटल और एलिमेंट जो मेटल के साथ साथ नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन्हें हम सेमी मेटल भी कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, ऐसे एटम और एलिमेंट जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम सेमी मेटल या फिर मेटालॉइड्स कहते हैं। अब देखिए, ये मेटालॉइड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, नीट, जी,
या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें मेटालॉइड्स पूरी तरह से पता होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है। बाबा साईं जी आज सब आते तेरे पाँव में। फिर से देखिए, बाबा साईं जी आज सब आते तेरे पाँव में। बाबा को हम लिखेंगे बी, साईं मतलब SI, जी मतलब GE, आज मतलब AS, सब यानी SB, आते मतलब AT, तेरे यानी TE, पाँव यानी PO, और मे का मतलब होता है मेटालॉइड्स। ताकि आपको याद रहे कि ये ट्रिक किसके लिए है, मेटालॉइड के लिए। ठीक है, तो देखिए मेटालॉइड्स में क्या क्या है। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एसेटीन है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। एक बार फिर से देखिए, बाबा साईं जी आज सब आते तेरे पाँव में। बाबा मीन्स बी, साईं यानी SI, जी मतलब GE, आज यानी AS, सब यानी SB, आते मतलब AT, तेरे यानी TE, पाँव यानी PO, मे का मतलब होता है मेटालॉइड्स। तो हम समझ गए कि ये सब कौन है, ये सभी मेटालॉइड है। कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसेटीन, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक, थैंक यू।